वैसे ASMR बनाते ना ऐसे ऐसे, आज मैं वो कर सकती हूँ. ये लिटरली मैकडॉनल्ड्स की फ्रेंच फ्राइज लग रहा है. लाइक लुक एट दैट डूड, से तो ऐसे ही लग रहा है कि ये फ्रेंच फ्राइज है. या इसमें कुछ है, इट हैज सम जेल्स. Ooh, I'm not good at hairstyle, but still I'm trying for you guys. So look at this, यहाँ पे एक teddy bear का design है, which looks very cute. Hello everyone, my name is Kashika. Welcome back to my channel. I hope you're healthy and happy wherever you are. आज की video super 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 interesting होने वाली है, because आज मैं try या फिर test बोल सकते हो करने वाली हूँ some very weird tools from the website ube.in. अगर आपको नहीं पता what is the meaning of ube, ube means you before anyone. इट्स अ वेरी नाइस वेबसाइट जहां पर आपको ब्यूटी, ग्रूमिंग, स्किन केयर, मेकअप के बहुत सारे प्रोडक्ट्स मिलते हैं. इंडियन इंटरनेशनल प्रोडक्ट्स भी मिलते हैं. इनफैक्ट दे हैव कोरियन स्किन केयर एज वेल, और बहुत अच्छी डील पे भी मिलते हैं. सो मैंने इस वेबसाइट से मंगाए हैं बहुत सारे क्रेजी वियर्ड वायरल टूल्स जो आप यूट्यूब शॉर्ट्स और रील्स पर देखते हो ना, और हमें लगता है ये काम करते हैं फिर नहीं करते, वो सब कुछ मैंने मंगवाया. सो जरा टेस्ट करके देखते हैं. ऑल्सो यूबे जो वेबसाइट है वो बहुत ज्यादा अफोर्डेबल है. मतलब ये सारे टूल्स मैंने बाकी और वेबसाइट्स पर देखे हैं, डबल ट्रिपल प्राइस पे मिलते हैं, बट इनकी वेबसाइट पर काफी अफोर्डेबल रेट पे मुझे मिल गए. Let's see if all of these products are worth the hype or not. उससे पहले आपको पता है क्या करना है, सब्सक्राइब बटन पे हिट करना है, बेल आइकन पे हिट करना है, एंड नाउ लेट्स गो. लेट्स स्टार्ट विद द मोस्ट वायरल टूल जिसकी मैंने बहुत सारी वीडियोस देखी हुई है कि एक्चुअल में काम करता है. ये है फेस एंड बॉडी हेयर थ्रेडिंग सिस्टम. सो जैसे हम पार्लर जाते हैं ना, वो आंटी हमारे ऐसे आगे पीछे मूव करके थ्रेडिंग बनाती है. वो ऑब्वियसली हमसे खुद नहीं हो सकता, खुद की थ्रेडिंग तो आप ऐसे भी नहीं कर सकते. थ्रेड यहाँ से पकड़ के थ्रेडिंग कैसे करोगे, तो हमें किसी और पर डिपेंड होना पड़ता है. सो ये प्रॉपर एक ऐसा टूल बनाया है उन्होंने. ओके, आई एम अ मेसी पर्सन, जो बिल्कुल उसकी तरह काम करता है. लेकिन आपको अपने मुंह से थ्रेड पकड़ने की जरूरत नहीं है, इट्स क्वाइट हाइजीनिक एज वेल. ये दिखता है ऐसे सीजर की तरह. सो यहाँ पे आपको थ्रेड मिल रहा है, एंड द गुड थिंग इज इसके साथ आपको एक्स्ट्रा ये भी मिलती है. सो ये आपको एक्स्ट्रा रिफिल्स मिलती हैं, जो यहाँ से थ्रेड जा रहा है ना, ये जो यहाँ से निकल रहा है, आपको दोनों के साइड से यहाँ से निकालो और यहाँ पे आप अपना थ्रेड चेंज. सबके साथ थ्रेड्स भी अटैच है. मैं एक बार आपको डब्बे खोल के दिखाती हूँ. सो एकदम डोनट जैसी क्यूट सी डब्बी है. ये वाली आइटम्स हम बड़े क्यूट लगते हैं देखने में. सो उसके साथ आपको हर एक उसके साथ एक ये थ्रेड मिलता है. यू कैन जस्ट पुल इट आउट लाइक दैट, और आप इसको चेंज कर सकते हो टाइम टू टाइम. अपना एक न्यू थ्रेड यूज़ कर सकते हो. जिनकी एक्ने स्किन है उनको और ज़्यादा थोड़ा सा ध्यान में रखना चाहिए. सो कुछ नहीं करना है इसको, बेसिकली आपको ऐसे से यूज़ करना है जैसे हम अपलेस बनाते हैं, ऐसे ऐसे करते हैं ना. सो जरा मैं टेस्ट करने वाली हूँ. वैसे मेरे अपर लिप्स आए नहीं हुए, मैं कल ही फंक्शन में गई थी तो मेरे इतने अपर लिप्स अभी है नहीं, बट मेरे चिन पर बाल हैं. सो मैं ज़रा ट्राई करके देखती हूँ. ये एक्चुअल में वैसे ही फील हो रहा है जैसे हम पार्लर में प्रॉपर थ्रेडिंग कराते थे ना. सो बेसिकली आपको ऐसे लेके जाना है, आपने ऐसे खोला, क्लोज किया, और इसमें ऐसे यहाँ पे बाल फंसने शुरू हो जाते हैं. जस्ट दैट आपको बहुत छोटे एरियाज में वर्क करना है. आप अगर बहुत बड़ा एरिया लेने की कोशिश करोगे तो काम नहीं चलेगा. अगर इनकी पैम्पलेट भी आती है और उन्होंने यहाँ पे समझाया भी हुआ है कि आप थ्रेड कैसे चेंज कर सकते हो. सो आप इजीली एक एक स्टेप को फॉलो कर सकते हो अगर आपको बिल्कुल नॉलेज नहीं हो. प्लस इन्होंने सारी ट्रिक्स बताई हैं कि आप कैसे कैसे अपने हेयर को रिमूव कर सकते हो, कौन कौन से एरिया से उसको कैसे यूज़ करना है. सो डेफिनेटली अ वेरी नाइस एंड कूल प्रोडक्ट विच वर्क्स रियली क्लोज टू रियल थ्रेडिंग. नेक्स्ट अप वी हैव अ वीट का रिप ऑफ प्रोडक्ट. इसका नाम है स्वीट सेंसिटिव प्रिसिशन ब्यूटी स्टाइलर. दिस हाउ इट लुक्स लाइक. ये 5-in-1 कंप्लीट स्टाइल एंड ट्रिम, एंड दिस इज फॉर 249 रुपीज, विच इज सुपर अफोर्डेबल. सो जरा देखते हैं कि काम करता है फिर नहीं करता. मैं पहले ब्लेड ढूंढती हूँ, बिकॉज ये पीछे से पैकेजिंग मेरे से कटे ही नहीं. जब से नेल्स कराए हैं ना, मैं काफ़ी ज़्यादा हेल्पलेस हो चुकी हूँ. सब मुझे साइड से कहीं से खोलना पड़ेगा. निकल जाओ. फाइनली, सो दिस ऑल द बॉडी लुक्स लाइक. यहाँ पर आपको थोड़ा सा बड़ा वो मिलता है रिमूव करने का, एंड यहाँ पे एकदम टीनी टाइनी सा आप देख सकते हो फॉर आईब्रोज एंड ऑल, बिकॉज ये काफ़ी छोटा गैप है. और से याद आपको मिलता है पूरा हेड एक चेंज करने का, ये भी मिलता है जो बेसिकली बॉडी के लिए होगा, आई थिंक अंडर आर्म्स एंड बॉडी के लिए. देन वी हैव अ कवर सॉर्ट ऑफ थिंग एज वेल. ये कुछ ऐसा लिड मिली है इसके साथ. देन इसके ऊपर और लगाने का हमें ये भी मिला है, लाइक बड़े वाले रेजर पर वो लगा सकते हो, और छोटे वाले के ऊपर आप ये लगा सकते हो पूरा ऐसे कवर, सो दैट ऊपर का एक्सेसिव हेयर को रिमूव कर सको. तो आपको तीन सेटिंग मिलती है. अब ये मिड में है, अगर मैं इसको इधर करूंगी तो ये ऑन हो जाएगा, वापस ऑफ हो गया, और इधर करूंगी तो ये खुल जाएगा. यहाँ से आप सेल निकाल सकते हो. सो यहाँ से मैंने इसको ऑन कर दिया है, एंड लेट मी सी कि पहले मैं हाथ में ट्राई करती हूँ. मेरे को डर लग रहा है. इट्स वर्किंग, काफ़ी स्मूथ भी निकल रहे हैं. इट्स लाइक प्रॉपर रेजर ही है, ज़्यादा इतना कोई डिफरेंस नहीं है. एक बार ज़रा मैं आईब्रो के हेयर रिमूव करके देखती हूँ, बिकॉज सेंटर ऑफ ब्राउज में एक बार चुप हो जाओ.
बड़े वाला बाल हट गया। ध्यान से कशिका, ध्यान से। इसका जो ये टाइनी वाला है ना, ये काफ़ी सही है, मतलब ये बिल्कुल प्रिसीजन वाला है। अगर आप बिल्कुल प्रो नहीं हो ना, तो आई थिंक ये टाइनी एकदम ठीक है, बिकॉज इससे आप कम मिस्टेक करोगे, इससे आप ज़्यादा मिस्टेक नहीं करोगे। ऐसे जब आप हटाओगे ना, आप इसको चेंज भी कर सकते हो। अब मैं ये दूसरे वाला लगा रही हूँ, जो बेसिकली बॉडी के लिए है। यू कैन सी, यू कैन यूज़ इट ऑन योर बॉडी। सो एक बार ज़रा टेस्ट करके देखते हैं। थोड़ी बहुत मुझे हेयर ग्रोथ आई हुई है, ऐसे चीटी चीटी जैसा काट रहा है। बॉडी पे इतना वर्क नहीं कर रही, बिकॉज इसका जो ये गैप है ना रेजर्स के बीच का, ये काफ़ी ज़्यादा है। और मेरे जो फाइन हेयर हैं अभी, बिकॉज मैंने कल परसों शेव किया था, तो उसके बीच में से निकल रहा है, तो इतना ज़्यादा बॉडी पे इफेक्टिवली वर्क नहीं कर रही। आई थिंक ये बहुत ज़्यादा हैवी ग्रोथ पर ही वर्क करेगी, जहाँ पर मतलब जैसे बिकनी एरिया हो गया, जहाँ पर काफ़ी हैवी बूस्टी ग्रोथ होती है, उसको काफ़ी क्लोजली रिमूव करने में हेल्प कर सकती है। प्लस यू ऑल्सो गेट दिस कवर हेड एज वेल, जिसका ऊपर से ऐसे लगा के पहले ऊपर ऊपर का भी रिमूव कर सकते हो, अगर आप बिकनी एरिया के पहले मेन झाड़ वाले बाल हटाना चाहते हो और फिर क्लोज शेव देना चाहते हो। बट ये जो फेस का है ना, ये तो डेफिनेटली काफ़ी अच्छे से वर्क किया है। इसका जो ये छोटे वाला है ना, वो अच्छे से आईब्रोज को रिमूव भी कर रहा था। सो अगर आप कुछ सस्ता वीट का एक कॉपी देख रहे हो, यू कैन डेफिनेटली ट्राई इट। मैंने एक्चुअल वाला वीट नहीं ट्राई किया हुआ, तो मैं ऐसे कंपैरिजन आपको सैडली नहीं बता सकती कि वो बेटर है फिर ये बेटर है। मैंने फर्स्ट टाइम ऐसा ट्रिमर यूज़ किया एंड आई थिंक फेस के लिए इट वर्क, लेकिन बॉडी के लिए आई वुड से सो सो। नेक्स्ट अप इज अनदर इंटरेस्टिंग प्रोडक्ट, स्पेसिफिकली फॉर ऑल द गर्ल्स जिनकी ऑयली स्किन है, एक्ने प्रोन या फिर पोर्स के बहुत ज़्यादा इशू है, बिकॉज उनको मेकअप करने से पहले हमेशा आइसिंग करनी चाहिए। एंड डायरेक्टली जो आइस होती है फेस पर यूज़ करने को मना करते हैं, बिकॉज वो इतनी अच्छी नहीं होती। सो उसकी बजाय आप यूज़ कर सकते हो एक अच्छा आइस रोलर। सो मैंने इसलिए मंगवाया था, ये है आइस रोलर कोल्ड थेरेपी डिजाइन टू हेल्प मिनिमाइज पोर्स, पफिनेस को कम करती है, मसल टेंशन को रिड्यूस करती है। दिस इज हाउ द पैकेजिंग लुक्स लाइक, फ्रंट एंड बैक पे ऐसा सेम है। एंड वंस यू ओपन इट, अंदर है हमारा जाइंट सा रोलर। मतलब मैंने जब इसकी इमेज देखी थी ना, मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ये इतना बड़ा आएगा। मतलब ये कहीं से भी सस्ता और फ्लिमजी लग रहा है, वाइल द प्राइस इज सुपर अफोर्डेबल। ये आपको यूबे पर मिल रहा है 209 rupees का, विच इज नॉट ऑल बैड। एंड द बेस्ट थिंग इज, इसको आपको पूरा रखने की जरूरत नहीं है। आई नो काफी इंडियन फ्रिज में जगह नहीं होती, हमारे इंडियन के फ्रीजर्स भी इतने भरे रहते हैं ना, हमारी माता श्री पता नहीं क्या क्या फ्रीज करती रहती है, तो सबके इंडियन घरों में यही दिक्कत होती है कि फ्रीजर में इतनी जगह नहीं होती कि हम फैंसी चीजें रख पाएं। सो द बेस्ट थिंग इज, ये बॉडी आपको रखने की जरूरत नहीं है, ऑल यू हैव टू डू इज जस्ट टेक दिस आउट। सो इसको निकालना कैसे है, आप एक साइड बेसिकली इसको जब ऐसे टेढ़ा करके निकालोगे ना, ये ऐसे पूरा बाहर आ जाएगा। और ये कुछ ऐसे प्लास्टिक जैसी बॉडी है, जिसके अंदर इन्होंने कुछ डला हुआ, आई डोंट नो या इसमें कुछ है, इट हैज़ सम जेल्स या इट हैज़ सम जेली बॉल्स। आप देख सकते हो इसके अंदर ऐसे टाइनी टाइनी आपको बॉल्स का एक रिफ्लेक्ट दिख रहा होगा, या इट हैज़ वेरी टाइनी बॉल्स। तो आप इसको ऐसे के ऐसे अपने फ्रीजर या फिर आइस ट्रे के ऊपर रख दो, और फिर जिस दिन भी आपको, जब भी आपको यूज़ करना हो, यू जस्ट टेक इट आउट। इसमें दोनों जगह ही ऐसे निकालने का, ऐसा लॉक हो गया, एंड देन यू कैन यूज़ इट ऑन योर फेस एंड बॉडी। आई थिंक फेस के लिए तो ये काफ़ी बड़ा है, बिकॉज यहाँ ये ईजिली कवर कर देगा, यहाँ पे भी यूज़ कर सकते हो। एंड यू कैन यूज़ इट ऑन योर बॉडी एज वेल। काफ़ी बार हम बहुत ज़्यादा धूप से घर आते हैं, मतलब एकदम सनबर्न जैसी स्किन हो जाती है, या फिर आप कुछ खाना बना रहे हो, आपकी स्किन जल गई, तो इंस्टेड ऑफ डूइंग आइसिंग, बिकॉज आइस बहुत जल्दी जल्दी मेल्ट होती रहती है, आप इसको यूज़ कर सकते हो। इसके अंदर जो जेल्स है ना, उसकी वजह से ये काफ़ी देर तक कूल रहता है, जब तक वो कहीं ना कहीं कूल मतलब गर्म नहीं होते आपको, तब तक इसमें एक अच्छा कूलिंग इफेक्ट मिलता है। इसको तो मैं डेफिनेटली यूज़ करने वाली हूँ, मैं एक शॉर्ट रील भी बनाऊंगी इसके ऊपर, जब मैं इसको प्रॉपर वैसे यूज़ करूंगी। वैसे अगर आपको नहीं पता, अगर आपकी ऑयली स्किन है, एक्ने प्रोन या पोर्स के बहुत ज्यादा इशू है ना, अगर आप पार्टी मेकअप करने वाले हो, ये मैं हमेशा करती हूँ। नॉर्मल मेकअप में मैं चाहिए स्टेप स्किप कर दूं, लेकिन जब मैं वेडिंग पार्टी का मेकअप करती हूँ, मैं हमेशा पहले आइसिंग करती हूँ। और डायरेक्ट आइस वैसे मना करते हैं, तो मैं उसको कॉटन में टावल में से लपेट लपेट के करती थी, और वो बहुत ज्यादा मेसी हो जाता था। सो दिस इज क्वाइट कन्वीनियंट। आइसिंग करने के बाद थोड़ी देर रुकती हूँ, फिर स्किन केयर और मेकअप करती हूँ, तो उससे मेरा मेकअप भी काफी फ्लॉलेस लगता है, पोर्स होते हैं वो थोड़े से टाइटन अप रखते हैं, प्लस मेरा वो मेकअप जो है वो ग्रीसी नहीं होता, वो ओवर द टाइम ज्यादा ऑयल सिक्रीट नहीं करता। सो डेफिनेटली दिस इज ये फ्रॉम माई साइड। नेक्स्ट अप इज अ क्यूटेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम द एंटायर वीडियो, दिस इज अ ब्यूटी ब्लेंडर जार। लाइक ओ माई गॉड, इट इज सो सो क्यूट। एक तो ब्लेंडर से कलर इतने अच्छे हैं, प्लस यहाँ पे से रिबन लगा हुआ है। ये प्लास्टिक का जार है, अगर आपने किसी फ्रेंड को कुछ बर्थडे गिफ्ट या फिर कुछ भी देना चाहते हो ना, आई वुड से कंसिडर दिस वन। एक तो ये सस्ता भी है, लाइक दिस इज जस्ट फॉर ₹199, और इसमें आपको कितने मिल रहे हैं, 1, 2, 3, 4, प्लस एक मैंने यूज कर लिया, 5 आपको इसमें ब्लेंडर्स मिल रहे हैं। प्लस आप इसमें अपने मैसेजेस वगैरह भी डाल सकते हो, अगर आप थोड़ा सा DIY करना चाहते हो, इसमें कोई लाइट डाल सकते हो, मैसेजेस ग्लिटर्स
डाल सकते हो. सो ये देने में भी काफी अच्छा है, एकदम सस्ते में आपका एक DIY जार क्रिएट हो जाता है. तो इसमें आपको तीन जो ब्लेंडर मिलते हैं वो तो ऐसे सेम मिलते हैं, टीयर ड्रॉप वाले आपको तीन ब्लेंडर मिलते हैं डिफरेंट डिफरेंट कलर्स के, और एक आपको ये स्किन कलर का जो मेरे पास है, रैंडम कलर आपको रिसीव होते हैं, एक ऐसे वाली शेप का मिलता है जो भी जो काफी हैंडी रहती है. लेकिन मैंने जो ब्लेंडर यूज कर लिया वो है ये वाली शेप का, जो मेरी फेवरेट ब्लेंडर की शेप है बाय द वे, बिकॉज ये जो कट होता है ना नीचे ये बहुत सही रहता है ब्लेंड करने के लिए. मैंने जस्ट अभी लास्ट वीक मेबलिन का एक शूट किया था, आई थिंक वो वीडियो अभी तक लाइव नहीं गई, जब जाएगी आप तब भी देख सकते हो, लेकिन मैं वो स्निपेट्स यहाँ पे इंक्लूड करूंगी. जब मैंने इस ब्लेंडर को बिफोर एंड आफ्टर दिखाया है, मैंने प्रॉपर उसमें दिखाया कि पहले कैसा लग रहा है और सोकअप करने के बाद कैसा लग रहा है. सो डेफिनेटली इसके साइज में फर्क आया था, ये थोड़ा सा बड़ा हुआ था साइज में पानी सोक करने के बाद, और अच्छे से इसने ब्लेंड भी किया है, लाइक इट्स वेरी सॉफ्ट. मैंने अब तक दो तीन बार इसको यूज भी कर चुकी हूँ, आप देख सकते हो कितना स्टेन हो गया. अच्छे से ये मेकअप को ब्लेंड भी कर देता है. दिस इज डेफिनेटली अ क्यूट बाय अगर आप मेकअप बिगिनर हो या फिर आप मेकअप बहुत ज्यादा करते हो, आपको अलग अलग तरह के ब्लेंडर चाहिए फॉर डिफरेंट स्टेप्स, तो उसके लिए ठीक है, ये डिसेंटली वर्क भी करता है. प्राइस पॉइंट के हिसाब से इफ यू डिवाइड 199 में पांच ब्लेंडर इज नॉट ऑल अ बैड डील, सो यू कैन डेफिनेटली चेक इट आउट. नाउ इफ यू फॉलो मी सिंस अ वेरी लॉन्ग टाइम, आपको पता होगा मैं कैप्सूल टिश्यूज हमेशा अपने साथ कैरी करती हूँ, जो इतने इतने आते हैं मैं उसको पानी में डिप करके बेड वाइप कभी बना लेती हूँ. सो उसका एक बड़ा वर्जन है ये बेसिकली फेशियल क्लेंजिंग वाइप्स या फिर स्पंज या फिर नॉट फॉर फेस, कहीं पर भी आप इसको यूज कर सकते हो. बेसिकली स्पंजेस हैं लेकिन कॉम्पैक्ट फॉर्म में, सो कुछ इस तरह की पैकेजिंग में आए हैं. इसके अंदर आपको मिलते हैं हाउ मेनी स्पंज, यू गेट 12 स्पंज फॉर ₹129 ओनली. यूबे पर आपको 129 के मिल रहे हैं, विच इज अ वेरी गुड डील. ये लिटरली मैकडॉनल्ड्स की फ्रेंच फ्राइज लग रहा है, लाइक लुक एट दैट डूड. सो तो ऐसे ही लग रहा है कि ये फ्रेंच फ्राइज है. सो जरा देखते हैं कि ये पानी में डिप करके स्पंज बनता है नहीं बनता. आई एम वेरी सॉरी फॉर नॉट सो एस्थेटिक बाउल, बिकॉज यहाँ पर मेरे पास यही कंटेनर था और मैं ग्राउंड फ्लोर पर नहीं जाने वाली, यार बहुत आलस आता है. सो लेट्स सी 1 2 3 एंड गो. ओके इसको डिप करना पड़ेगा अंदर. सो इसको मैंने किया अंदर थोड़ी देर के लिए डिप. फूल रहा है, फूल रहा है. सो आई थिंक इसको डिप करके रखना होता है, और उसमें थोड़ी सी ऐसी कट 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 वाली आवाज़ आ रही है बिकॉज ये थोड़ा सा सोकअप कर रहा है पानी को. चलो चलो, इसको गर्म पानी में तो नहीं डालना था, मैंने इसको ठंडे पानी में डाल दिया. ओके थोड़ा थोड़ा सॉफ्टन होना शुरू हुआ है ये, बट एकदम ऐसे इंस्टेंटली नहीं हो रहा. आप सोचो ना कि पानी में डालते ही स्पंज बन जाएगा, नहीं, ये थोड़ा सा टाइम ले रहा है और बहुत धीरे धीरे हो रहा है, लेकिन अब ये सॉफ्टन होना शुरू हो रहा है यार. आई होप मैं आपको ऐसे करके दिखा सकती, बट ऐसे नहीं दिखेगा यार. लेट मी जस्ट बेंड डाउन द कैमरा अ लिटल, लाइक लुक एट दिस. अब दिख रहा है आपको मेरा पजामा, इग्नोर करो ज़रा, बट लुक एट दिस, ये प्रॉपर ऐसा हो रहा है. मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ये ऐसे पूरा इतना चौड़ा फूल जाएगा, बट ये प्रॉपर हो गया, एकदम लेमन जैसे शेप बन गया. या इट्स डन नाउ, सो लेट मी जस्ट टेक इट ऑफ. सो दिस इज हाउ द स्पंज लुक्स लाइक. मैंने एक्सेस वाटर सारा स्क्वीज आउट कर दिया, वाटर सोक इन करने के बाद ये दिखता है कुछ इस तरह से. सो दिस थिंग डेफिनेटली वर्क्स, लाइक लुक एट दिस, ये प्रॉपर एकदम सर्कुलर वाला स्पंज बन गया है, और आप एक्सेस वाटर निकाल के इसको यूज कर सकते हो, आप बाथ ले सकते हो, लाइक काफी लोग स्पंज बाथ लेना प्रेफर करते हैं. फेस का जो भी मेकअप वगैरह हटाना हो वो हटा सकते हो, लाइक all the makeup will be removed very easily. As a beauty blender की तरह भी काम कर सकते हो, because ये बिल्कुल वो जो compact वाला sponge नहीं होता है, बिल्कुल वैसा बन गया. सी मेरा जो excess oil था वो भी काफ़ी अच्छे से डैब 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 हो गया, थोड़ा सा wet है ना अभी, तो काफ़ी अच्छे से blend भी कर रहा है. सो यू कैन यूज इट एज अ ब्यूटी ब्लेंडर एज वेल यार, दिस इज रियली नाइस. मैं तो उसको अपने ट्रैवल किट्स में रखने वाली हूँ, बिकॉज इन केस में ब्यूटी ब्लेंडर भूल जाती हूँ या फिर नहीं होता है, फिर स्पंज बाथ के लिए कुछ चाहिए होता है. सो 129 में 12 स्टिक इज नॉट ऑल अ बैड डील. नाउ सिंस हम स्पंज की बात कर रहे हैं, तो मेरे पास एक और आइटम है जो अगेन मेकअप रिमूव करने में काफ़ी काम आता है. मैं ऑलरेडी ऐसे वाला यूज़ कर चुकी हूँ पहले, मैं अपनी काफ़ी ट्यूटोरियल्स और रिकमेंडेशन और रिकमेंड भी कर चुकी हूँ. अगर आप बार बार कॉटन वाइज नहीं यूज़ करना प्रेफर करते ना, सो दिस इज अ सेवियर फॉर यू. सो बेसिकली माइक्रोफाइबर का स्पंज होता है यहाँ पर, एकदम सॉफ्ट, एकदम बिल्कुल जो माइक्रोफाइबर होता है ना, इसकी बिल्कुल वैसी वाली फील है. दिस आर इट लुक्स लाइक. मैंने एक इंस्टाग्राम रील भी बनाई थी कि इन स्पंज को कैसे यूज़ करना होता है, वो ब्लैक कलर का था, इसका वाइट सा कलर है, बट ये एकदम सेम ही काम करते हैं. ऑयल क्लेंसिंग के टाइम तो ये सबसे बेस्ट है, बिकॉज जब भी आप ऑयल से मेकअप रिमूव करते हो ना, तो उसको हटाने के लिए आपको बहुत सारे कॉटन पैड्स यूज करने होते हैं, और फिर वो वेस्ट भी जाते हैं, इन्वायरमेंट के लिए भी सेफ नहीं है, पैसों के हिसाब से भी आपको बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव पड़ता है इतने सारे कॉटन पैड्स लेना. मेकअप मस्कारा वाटरप्रूफ जो भी होता है ना, वो पूरा मेल्ट डाउन हो जाता है. और फिर मैं इसको क्लीन कर लेती हूँ फेस वॉश से. आई हैव लॉट ऑफ फेस वॉश जो मुझे इतने सूट नहीं करते, या फिर मुझे पसंद नहीं है, या फिर मुझे फिनिश ऑफ करना है, तो मैं उसको इससे क्लीन कर लेती हूँ, मतलब इस स्प्रेड करके अच्छे से ऐसे क्लीन करके, फिर इसका जो होल्डर है ना ऐसे मैं सुखा देती हूँ, ये नेक्स्ट डे तक ड्राई भी हो जाता है, एंड देन यू कैन रीयूज अगेन. ये मड पैक्स, क्ले पैक्स या कोई भी तरह का फेस पैक हटाने के लिए भी अच्छा है. काफी बार हम फेस पैक हटाने के लिए इतना एक्सेस वाटर यूज करते हैं, वाटर स्प्लैश करते रहते हैं फेस पर,
यो पैक हट जाए, अगेन यू आर वेस्टिंग लॉट ऑफ वाटर. सो पानी भी बचाओ, सबसे पहले इसको पानी में डिप करके सारा पैक. ब्लीच, काफ़ी बार हम ब्लीच वगैरह भी करते हैं, लाइक मैं बैक पर ब्लीच कराती हूँ, मैं फेस पर ब्लीच नहीं यूज़ करती. मैं अपने बैक पर जब भी कोई पार्टी फंक्शन है कुछ बैक पर वैसा पहनना होता है ना, बैकलेस टाइप, तो ब्लीच कराती हूँ, तो मैं ब्लीच भी इससे ही रिमूव कराती हूँ और फिर मैं नहा लेती हूँ. सो ये काफ़ी कन्वीनियंट रहता है. सो दिस इज डेफिनेटली अ वायरल बट वेरी हेल्पफुल टूल. नेक्स्ट वी हैव अनदर क्रेजी टूल. ये स्पेसिफिकली उन लोगों के लिए जिनको साबुन से नहाना बहुत पसंद है लेकिन बॉडी वॉश भी यूज़ करना काफ़ी पसंद है, बिकॉज ये साबुन और बॉडी वॉश को एकदम मिक्स कर देता है. सो ये है बेसिकली बबल बाथ ब्रश. दिस हाउ इट लुक्स लाइक. इसकी पैकेजिंग कुछ इस तरह से दिखती है. अगेन यू गेट रैंडम कलर. मुझे जो कलर रिसीव हुआ है वो है एकदम तड़कता भड़कता ब्लू कलर. सो दिस इज हाउ ओके दिस इज हाउ द टूल लुक्स लाइक. उसमें क्या है, यहाँ पे अंदर स्पंज है, यहाँ पे आप देख सकते हो. आप स्पंज को रिमूव भी कर सकते हो, लाइक निकाल के आप अच्छे से वॉश करके कहीं सुखाना चाहते हो, धूप में लगाना चाहते हो तो वो भी कर सकते हो. सो इस साइड आपको ऐसे ऐसे सिलिकॉन का कुछ मिलता है, जैसे वो सिलिकॉन के ब्रश क्लेंजर्स नहीं आते, बिल्कुल वैसी फील दे रहा है. यहाँ पर आपको वो मिलते हैं विद होल्स, बिकॉज इस होल से आपका जो प्रोडक्ट है वो डिस्पेंस होता है. और इस साइड यहाँ पे ऐसे टेडी बेयर जैसा बना हुआ है और ऐसे डॉट डॉट है, इससे भी आप अच्छे से मसाजिंग कर सकते हो. ये काफी जेंटल रहते हैं, जो इस सिलिकॉन वाले ये ऐसा बेसिकली पैटर्न होता है ना, ये आपकी स्किन को रिप ऑफ नहीं करता. ऐसे कुछ लाइक फिजिकल एक्सफोलिएशन ये माना नहीं जाता, बिकॉज ये उस फॉर्म में एक्सफोलिएट नहीं करता. इट जस्ट लाइक अ मसाजिंग सॉर्ट ऑफ एक फील देता है. सो इसमें आपको क्या करना है, आप ऊपर से अपना पोर करो बॉडी वॉश. पहले इसको गीला कर लो, पहले इसको पूरा ऐसे पानी में डिप करो और आप ऐसे पूरा इसको निचोड़ सकते हो लाइक दिस. इसके ऊपर डालो बॉडी वॉश. बॉडी वॉश डालने के बाद अगेन इसको थोड़ा सा फोम अप कर लो एंड देन जस्ट ड्रॉप इट ऑन योर बॉडी. ऐसे ऐसे इसको रब करो अच्छे से बॉडी पे और फिर आप इसको रिंस ऑफ कर सकते हो. ये मैं अपनी नीज को देने वाली हूँ, बिकॉज ये बहुत जेंटल है, लाइक इट इज वेरी वेरी जेंटल. और वो काफी टाइम से मेरे से मांग रही थी कि मेरे को प्यारा सा कुछ लूफा या वैसा कुछ दे दो. लूफा काफी बार इतने थोड़े से हार्श हो जाते हैं, बिकॉज उसका जो प्लास्टिक होता है वो काफी बार थोड़ा हार्श फील होता है, बट ये गीला होने के बाद इतना हार्श फील नहीं होता. बेस्ट थिंग अबाउट दिस वन इज द प्राइस पॉइंट. दिस जस्ट फॉर ₹79 ऑन यूबे, विच इज अ स्टील डील. काफी टाइम तक चल भी जाएगा, बिकॉज ये सिलिकॉन का प्रोडक्ट है ना, खाली आपको स्पंज को बाहर निकाल के बार बार वॉश करना पड़ेगा. अदरवाइज बाहर से तो ये सिलिकॉन वाला है, इजिली वॉश ऑफ भी हो जाएगा. यू गेट दिस हैंगिंग थिंग एज वेल, आप यूज करने के बाद ऐसे लटका भी सकते हो सो दैट इसका जो भी एक्सेस पानी है वो ड्रिप ऑफ होता रहे. सो अगेन आई थिंक प्राइस पॉइंट के हिसाब से इट्स अ स्टील डील. नेक्स्ट अप इज समथिंग फॉर योर हेयर. आई थिंक आई एम लेट टू द पार्टी, बिकॉज मैं बचपन से देखती आ रही हूँ, मतलब जब से मैंने यूट्यूब 10th 11th 12th से देखना शुरू किया ना, तभी भी स्टार्टिंग में मैं बहुत सारे बाहर के यूट्यूबर्स देखती थी जो ये हेयर कर्लिंग रॉड्स यूज करते थे. सो क्या होता है ना, जब हम प्रॉपर हीटिंग मशीन यूज करते हैं, हेयर कर्लर्स यूज करते हैं, जो कर्लिंग रॉड्स होती हैं वो बहुत ज्यादा गर्म होती है, ऑब्वियसली वो बालों को आपके डैमेज करती है. मैंने कल परसों सगन के लिए कर्ल्स किए थे जो ऑब्वियसली अब फ्लैट हो चुके हैं, बिकॉज मेरे बालों पर स्टे नहीं करते. और उसको लॉन्गर लाइक स्टे कराने के लिए ना, मैं बहुत ज्यादा देर उसको रखती हूँ, मेरे बाल डैमेज होते हैं, उसमें से धुआं आता है. सो डेफिनेटली ये बेटर वे है, बस इसके लिए आपको थोड़ा सा लंबा छोड़ना पड़ता है. ये यूबे पर आपको मिल रही है ₹129 की 10, not 12, इसके अंदर आपको 10 स्टिक्स मिलती है. सो दिस आवर लुक्स लाइक, कुछ इस तरह से दिखती है और ये काफी ऐसे फ्लेक्सिबल होती है, मतलब आप इसको बिल्कुल किसी भी तरीके से ऐसे लॉक कर सकते हो. सो वॉट यू हैव टू डू, जरा ट्राई करके देखते हैं, बिकॉज मैंने भी अभी तक ये ट्राई नहीं किया है. सो एक जरा स्ट्रैंड लेते हैं, वेरी एक्साइटेड. अगर ये काम करिए ना, तो मैं नेक्स्ट टाइम जब कोई फंक्शन होगा ना, मैं 3-4 घंटे पहले यही करके रख लूंगी, बिकॉज आई एम स्लाइटली पोजेसिव अबाउट माई हेयर, तो बाल कम से कम डैमेज हो तो बेटर है. ओके बट मैं अभी जरा एक छोटा ट्रायल लेकर देखती हूँ. आई जस्ट रैप इट अराउंड लाइक दैट. आपको बस ये एंड है ना, इसको अंदर की तरफ लॉक करना है, ताकि बाकी बाल जब ऐसे घूमे ना, तो ये भी ऐसी लॉक हो जाए उसके साथ. आई एम नॉट गुड एट हेयर स्टाइल बट स्टिल आई एम ट्राइंग फॉर यू गाइस. इसको मैंने ऐसे किया ऊपर तक और यहाँ पर इसको आके कर देना है लॉक अच्छे से. बेसिकली ऐसे करके इसको पूरा घुमा देना है. थोड़ा तो लटके गई, विच इज़ ओके, बिकॉज कर्ल्स हमें वैसे भी यहाँ से तो चाहिए नहीं होते, तो एक्सेस में अगर लटके भी तो चलता है. यहाँ से जो मेन कर्ल्स हैं वो हमारे निकलने चाहिए. सो इसको ऐसे करके मैं रख दूंगी. मैं थोड़ी देर ज़रा इंटरनेट वगैरह सर्व कर लेती हूँ, सो दैट पता तो चले कि इसको थोड़ी देर रख के होता क्या है. वैसे आई थिंक जो हेयर ड्रायर वाला आइडिया ना, वो ज़्यादा इफेक्टिव रहेगा, बिकॉज थोड़ी बहुत हीट अगर लगेगी ना, तो और एक अच्छी शेप आएगी. और आप कुछ स्प्रे वगैरह भी कर सकते हो और फिर जब खोलोगे तो कर्ल निकलेगा. सो लेट्स सी, ज़रा थोड़ी देर टाइम पास करते हैं. ओके नाउ इज़ द वर्डिक्ट टाइम. वैसे तो मैंने हार्डली 5 मिनट्स ही छोड़ा, तो मुझे नहीं लगता इतना कोई रिजल्ट आने वाला है, बट लेट्स सी यार. बाल तो मैंने अच्छे से गीले किए थे, खोलना कैसे है, प्रॉपर ऐसे ही खोलना पड़ेगा. वाओ, नॉट बैड यार. अगर मैं इस पर स्प्रे मार दूंगी ना, तो आई थिंक ये लॉक हो जाएगा. अभी तो मैंने काफी बुरी तरीके से किए थे, बट इट वर्क्स. अगर मैं इसको प्रॉपर ऐसे खोल के, यार नॉट बैड. मैं डेफिनेटली ट्राई करने वाली हूँ यार. परसों मेहंदी है मेरे कज़न की, प्रॉपर मेहंदी सेरेमनी है, तो शायद मैं ये करके देखूँ. अगर मैं करूँगी ना, तो मैं रील या फिर शॉर्ट्स बनाऊँगी, बिकॉज लुक एट दिस यार, इट वर्क्स.
और ऐसे वाले कर्ल ना रॉड से भी नहीं आ पाते बिकॉज वो काफी स्टिफ स्टिफ वाले होते हैं, काफी नेचुरल भी लग रहे हैं, है ना। मैं पूरे बाल से कर्ल करूंगी तो अच्छे लगेंगे। इसी पे स्प्रे कर दो एंड देन ट्राई टू ओपन इट अप सो दैट स्प्रे से थोड़े हार्ड भी रहें और फिर वो सेटल भी हो जाए। नॉट बैड यार, मेरे बाल डैमेज भी नहीं होंगे और सही भी लगेंगे। दिस डेफिनेटली वर्क्स। इसको मैं प्रॉपर ट्राई करूंगी और आपको वीडियो बना के दिखाने वाली हूँ, आई एम वेरी एक्साइटेड। एंड फाइनली एट लास्ट वी हैव अ मेकअप आइटम। ये मुझे मार्स के सेक्शन में दिखा। अगर आपको नहीं पता, यूबे पर मेकअप भी मिलता है, मार्स की काफी अच्छी कलेक्शन है यूबे पर। उसमें मुझे देखिए मिनी लिपस्टिक, ये मुझे काफी कूल क्वर्की लगी। ये भी काफी वियर टूल ही हुआ बिकॉज इतनी छोटी सी लिपस्टिक है। सो इसका नाम है मार्स लिप ग्लॉस, लेकिन लिप ग्लॉसेस नहीं है, ये प्रॉपर मार्स प्रूफ मैट लिपस्टिक्स हैं जो एकदम ड्राई आउट हो जाती है आपके लिप्स के ऊपर, ट्रांसफर प्रूफ बन जाती है। दिस इज ऑल द पैकेजिंग लुक्स लाइक। तीनों बहुत अच्छा आपको वर्सेटाइल शेड्स मिलते हैं। सबसे पहले मिलता है हमें एकदम न्यूड ब्राउन कलर, जो आप इजिली अपने ऑफिस एंड ऑल में यूज कर सकते हो न्यूड। ये एकदम स्ट्रेट अप रेड कलर है, जो पैकेजिंग से थोड़ा सा ऑरेंजेस दिख रहा है लेकिन ये रेड है और एकदम डार्क टोन न्यूड कलर है। दिस इज द मिडिल वाला शेड, मैं आपको स्वॉच भी करके दिखा देती हूँ। काफी पिगमेंटेड है, मतलब वीडियो में भी अभी देखो मैं एक बार ऐसे टच कर रही हूँ और कितना अच्छा पिगमेंटेशन आया है पूरे लिप्स पर। मैंने अच्छे से शेप भी दिया था, इनफैक्ट मैंने इसको अपने चीक्स पर भी यूज किया बिकॉज मैं नीचे से ब्लश नहीं लगा के आई थी। मुझे करते वक्त पता चला कि मैंने आज ब्लश नहीं लगाया, तो मैंने इसको फटाफट चीक्स पर लगाया। द ओनली थिंग इज ये बहुत सॉलिड वाली मैट लिपस्टिक है ना, तो अगर आप चीक्स पर लगाओगे ना तो उसी टाइम ब्लेंड करो। ये मेरे नोज पे ना हल्का सा ऐसे लग गया था और ये देखो आप हल्के हल्के आपको ज्यादा रेड दिख रही होगी बिकॉज ये थोड़ी देर बाद ब्लेंड नहीं हो रही थी, तो मैंने स्पंज से थोड़ा सा उसको डैब किया। लिटरली इसका एक डॉट, लाइक हल्का सा डॉट भी आपके पूरे चीक्स को रेड कर देता है, बहुत अच्छा ब्लश इफेक्ट आता है। आज बाय द वे जो ये लगाया हुआ है वो यही है, मैंने अलग से कोई ब्लश नहीं लगाया। सो ये है मिडिल वाला शेड, मैं आपको अलग से स्वॉच करके भी दिखा देती हूँ। दिस इज द रेड शेड, इट्स लाइक प्रॉपर एकदम रूबी वू वाला रेड होता है ना मैक का, ये बिल्कुल वैसा रेड कलर है, एकदम ये ड्राई हो जाता है मैट न्यूड कलर। एक बार जरा ये भी स्वॉच करके देखते हैं। दीज आर वेरी वेरी टाइनी, मतलब मेरे नेल्स में तो खुल भी नहीं रही अभी, बट वेरी क्यूट यार, सच नाइस पिगमेंटेशन। लाइक देख रहे हो एकदम दो स्वाइप में इतना प्यारा पिगमेंटेशन आ रहा है। हाँ, एकदम ऐसे टॉफी टॉफी, जैसे वो मीठी स्ट्रॉबेरी टॉफीज हम खाते थे ना, इसकी बिल्कुल वैसी खुशबू है। सो जरा ये भी स्वॉच करके देखते हैं। या इट्स लाइक अ वेरी डीप वाइन सॉर्ट ऑफ कलर, बहुत प्यारा वाइन कलर है यार। सो डेफिनेटली द कलर वराइटी इज गुड। आपको तीन एकदम बहुत ही डिफरेंट कलर मिल रहे हैं, लाइक लुक एट दिस। सो ये रहे हमारे तीनों कलर जो मैंने स्वॉच करे हैं, जस्ट शो यू लाइक सो। सो दिस आर ऑल द थ्री शेड्स लुक्स लाइक। काफी वर्सेटाइल है, मतलब दिज आर लाइक वन एंड डन प्रोडक्ट्स। अगर आप इन दोनों को मिक्स भी करोगे ना, न्यूड और रेड को मिक्स करके भी आप एक हल्का सा पिंक टोन शेड बना सकते हो। आई लव द शेड्स, डेफिनेटली गो फॉर इट। अगर आप कॉम्पैक्ट पैकिंग में बिलीव करते हो, आपके बैग छोटे हैं, फिर आप बैग ही नहीं कैरी करते, आप जीन्स की पॉकेट में कैरी करना चाहते हो, तो आप उसमें भी इसको डाल सकते हो। सो ये थे मेरे सारे वियर प्रोडक्ट्स फ्रॉम यूबे। द बॉक्स इज कम्प्लीटली एम्प्टी एज यू कैन सी। यू कैन ऑल्सो शॉप फ्रॉम यूबे, यू गेट फ्री प्रोडक्ट्स विद योर ऑर्डर्स एज वेल। आप जो भी इनकी वेबसाइट से अभी ऑर्डर करोगे, आपको एक फ्री सरप्राइज प्रोडक्ट भी मिलेगा, विच इज क्वाइट गुड। इसके अलावा बहुत अच्छी अच्छी डील्स और बहुत सारे डिस्काउंट्स भी चलते रहते हैं। सो वेबसाइट का लिंक मैं नीचे दूंगी, एक बार चेक करना। आपको स्किन केयर, मेकअप, ब्यूटी, ग्रूमिंग ऐसे टूल्स आपको हर चीज मिलने वाली है ऑन सुपर नॉमिनल रेट्स। ट्रस्ट में यही चीज आपको बाकी वेबसाइट पर शायद डबल ट्रिपल प्राइस पर मिलेगी। दैट इज इट फॉर टुडेज़ वीडियो। आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। बाय बाय।